हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन एनएमआर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हम हेटेरोन्यूक्लाई के एनएमआर का रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक कार्बन 13 से रिलेटेड एनएमआर, सिलिकॉन 29, फ्लोरीन 19 एंड फॉस्फोरस 31। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपके पास दिस मॉलिक्यूल रो दिया गया है और नंबर ऑफ सी एनएमआर आपसे पूछा है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मुझे क्या दिखाई देता है कि इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास आउट होगी। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिन एटम्स से होके जाएगी वो इस टाइप से रहेंगे, ये आपकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, मीन्स ये अगर मैं इस पिंक वाले कार्बन का ये मिरर इमेज है और इस स्काई ब्लू वाले कार्बन का ये मिरर इमेज है। तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट या नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम्स की बात करूँ तो कौन कौन से रहेंगे, दिस वन इज वन सेट, दिस वन इज टू, दिस वन इज थ्री, दिस फोर, दिस फाइव एंड दिस सिक्स। थ्री एंड सिक्स मिरर इमेज नहीं है, तीनों इन थ्री एंड सिक्स के जो कार्बन है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में, थ्री के नेबर में फोर एंड टू है जो कि कार्बन है, जबकि सिक्स के नेबर में कार्बोनिल है तो डिफरेंट हो गया, फोर के नेबर में अलग टाइप के ग्रुप है, फाइव के नेबर में अलग टाइप के ग्रुप है। तो टोटल इसमें जो नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ कार्बन आप दिखाई देंगे वो रहेंगे सिक्स। उसके क्या इसमें सिक्स कार्बन थर्टीन की पीक मिलेगी, कार्बन थर्टीन पीक कितनी होगी, वो रहेगी आपके पास सिक्स पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, दिस वन इज क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल आपके पास ड्रॉ है। इस मॉलिक्यूल को अगर आपको सही से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये आपके पास दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के ऊपर है इस टाइप से, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एथिलीन यूनिट से, दिस इज एथिलीन यूनिट, ये कार्बन ये कार्बन, तो ये एथिलीन यूनिट है, यहाँ पे भी एथिलीन यूनिट, लेकिन दोनों के एक ऑर्थो से आउट हो रहा है और एक आपका मेटा से आउट हो रहा है। ओके, तो दोनों सिमेट्रिक नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल को आप मिरर इमेज नहीं मानेंगे, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नीचे वाले का मिरर इमेज आपको दिखाई देगा, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नीचे वाले पोर्शन का आपको क्या दिखाई देगा, मिरर इमेज दिखाई देगा, लेकिन वर्टिकल कोई मिरर इमेज नहीं है, हॉरिजॉन्टल आपका इसके अंदर मिरर इमेज रहेगा। फिर इसमें एक और आपके पास सिमेट्री है, एक सिमेट्री तो इस टाइप से थी, एक मिरर इमेज इस टाइप से प्रेजेंट था इसमें, इससे ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज आपको नीचे दिखाई देगा। ओके, और दूसरी जो सिमेट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी वो था इन्वर्जन सेंटर, एक था आपका सिग्मा प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल, सिग्मा प्लेन हॉरिजॉन्टल, और एक है इन्वर्जन सेंटर आई, इन्वर्जन सेंटर आई, इन्वर्जन सेंटर इसके अंदर आपका प्रेजेंट रहेगा, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन से पीछे और आगे जाने पे वही एटम मिलेंगे। ओके, सेम टाइप के एटम मिलेंगे। इससे क्या हुआ कि अगर मैं देखूँ तो कौन कौन से आपके पास मॉलिक्यूल सेम इन्वायरमेंट में है तो मुझे क्या दिखाई देगा, देखिए ये नीचे वाला पोर्शन तो पूरा पूरा ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज है, मीन्स नीचे वाले को मुझे कंसिडर नहीं करना, ठीक है, ऊपर वाले को कंसिडर कीजिए। अगर मैं देखूँ तो ये जो आपके पास कार्बन है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन सेम आपके केमिकल इन्वायरमेंट में है, इसके लेफ्ट साइड ये मिथाइल है येलो कलर वाला, इसके लेफ्ट साइड राइट साइड ये वाला है, ब्रोमीन इसके नेबर में, तो इसके नेबर में ब्रोमीन है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपके पास दिस कार्बन आर सेम केमिकल इन्वायरमेंट, दो हो गए। तीसरा आपके पास दिस कार्बन आर सेम केमिकल इन्वायरमेंट, तीन, और फोर्थ वन इज रेड कलर से दिस कार्बन आर सेम केमिकल इन्वायरमेंट। ओके, तो ये फोर्थ हो गए, और ये जो भी मैंने डॉटेड पोर्शन किया ये सारे के सारे मिरर इमेज नीचे वाले के है ना, तो वो भी आपके सेम केमिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ पीक काउंट करूँ किस किस के कारण मिलेगा, तो वो रहेगा सबसे पहले वन टू थ्री एंड फोर। ओके,
1, 2, 3 एंड 4, और 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो यहाँ वाले, अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँ तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सॉरी 4 आपका दिस वन, दिस इज 4, ओके। तो इस टाइप से आपको मिलेंगे टोटल एनएमआर पीक्स जो मिलेगी, यानी कार्बन 13 पीक्स जो मिलेगी वो 4 रहेगी, 10 गलत है, नंबर रहेंगे 4। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ बीएच4, पीएमआर मींस क्या पूछा आपके पास, H1 एनएमआर पूछा है, बीएच4 नेगेटिव। अब बीएच4 नेगेटिव जो है वो टीडी स्ट्रक्चर में होता है, टेट्राहेड्रल रहता है, बोरॉन टेट्राहेड्रल ही आपके पास अटैच्ड रहेगा, दिस H, 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 तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, तो एक पीक देंगे, ओके। अब एक पिक तो देंगे लेकिन बोरोन की आई वैल्यू भी दे दी, यानी बोरोन भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, तो स्प्लिटिंग जब आई वैल्यू ग्रेटर देन हाफ रहता है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2Ni+1 का, टू एन मीन्स नेबरिंग एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो कि बोरोन है और नंबर में एक है, तो वह एक, और बोरोन का आई वैल्यू 3/2+1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 = 3+1 = 4, तो 3+1 आपके पास 4, यानी कि क्वार्टेट के अंदर आपके आएगा, और ये भी जो है वो क्योंकि आई वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है इसलिए नॉन पास्कल ट्राइंगल को फॉलो करेगा, और 4 जो क्वार्टेट आएगा वो सेम इंटेंसिटी की लाइन्स रहेंगी, सेम इंटेंसिटी की लाइन, ओके, सेम इंटेंसिटी का। तो ये था आपका फोर्थ ऑप्शन, इसमें राइट रहेगा, एंड इक्वली इंटेंसिटी सेपरेटेड क्वार्टेट, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो रहेगा आपके पास, दिस वन इज जी, क्वेश्चन जी, इसने पूछा है कि P31 NMR ऑफ PH4+, अब ये भी देखा PH4+ किस शेप में होगा, डेफिनेटली ये भी आपका टीडी शेप के अंदर होगा, टेट्राहेड्रल, और चारों के चारों आपके पास जो हाइड्रोजन है वो सेम केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे, लेकिन इसने पूछा है क्या, P31 NMR पूछा है, मीन्स फास्फोरस देखना है कि मेरे सैंपल में कितने नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ फास्फोरस है, तो चूंकि मेरे सैंपल यानी PH4 में एक ही फास्फोरस है और एक ही टाइप के केमिकल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, एक ही आपके पास क्या मिलेगा, सिग्नल, तो सिग्नल कितना मिलेगा, एक वन सिग्नल, और उसकी स्प्लिटिंग कौन करेंगे, उसके नेबरिंग NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, तो नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और इनकी आई वैल्यू 1/2 है इसलिए N+1 का रूल लग जाएगा, तो N+1 मीन्स 4+1 = 5, यानी कि N+1 से इसकी स्प्लिटिंग होगी, 4+1 = 5, यानी कि क्विंटेट, क्विंटेट में ये सब स्प्लिट होंगे, और चूंकि आई वैल्यू हाफ है इसलिए पास्कल ट्राइंगल रूल एप्लीकेबल होगा, और अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल से जो क्विंटेट के लिए इंटेंसिटी निकलती है वो चूज कर लीजिए, और गिवन सैंपल में से मुझे पता भी है कि टर्मिनल के दो डिजिट का अगर मैं ऐड करूँ तो 5 आना चाहिए, तो 1 और 3 का एडिशन 4 आ रहा है, तो ये तो हो गया क्रॉस, 1 और 4 का एडिशन 5 आ रहा है, और लास्ट का दो डिजिट 4 और 1 का एडिशन 5, तो ये हो सकता है, और साथ में क्विंटेट भी दे रखा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। एच नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास दे रखा है C15H14O, तो ये समथिंग कुछ डाटा शो कर रहा है, PMR है 3 वैल्यू, 1, 2, 3 सिग्नल है, और CMR के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सिग्नल दे रहा है, तो PMR के अंदर ओनली 3 सिग्नल और CMR के अंदर 6 सिग्नल, और MF आपका दे रखा है, तो जब भी आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन दिया रहता है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है पहले स्टेप में DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर्मूला था, X+1 - Y/2, अब चूंकि हेट्रो एटम ऑक्सीजन डाइवेलेंट है इसलिए नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज करते हैं, अगर हेट्रो एटम मोनोवेलेंट या पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट होता तो उसे हम कंसिडर करते। एट प्रेजेंट टाइम एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 15,
प्लस वन माइनस वाई की वैल्यू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 14 अपॉन टू, तो 15 प्लस वन 16 माइनस सेवन और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9। अब 9 को मैं स्प्लिट आउट कर सकता हूँ 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 डीबी वन बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता, तो ये एक बेंजीन रिंग हो गया, ये दूसरा बेंजीन रिंग हो गया और एक जो डबल डीबी है ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू C15H14 अगर एक बेंजीन रिंग यानी कि 6 एटम इसमें चले गए कार्बन के, दूसरा बेंजीन रिंग और 6 चले गए, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, बचे कितने 3 कार्बन बचे। अब 3 कार्बन में से ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कौन से फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट कर सकता है, मे बी वो कार्बोनिल वाले फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो ईथर वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक मैंने कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप लिया और 2 मिथाइल सब स्टिट्यूएंट ले लिए। अब देखते हैं किस टाइप से इसका अरेंजमेंट होगा। तो इसने पहले से ही आपके पास समथिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे और मुझे करेक्ट चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए मैं क्या ट्रिक यूज करूंगा, मेरे पास PMR3 सिग्नल आना चाहिए, तो मैं स्ट्रक्चर चेक करता हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर में प्रोटॉन के 3 सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है गिवन, अगर इसे हमने ऑब्जर्व किया तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आ रही है। तो इससे क्या होगा, NMR अगर मैं चेक करूँ प्रोटॉन NMR तो कितने आएंगे मेरे पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही रहेगी, तो दिस इज 1, यहाँ पे कोई प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पे 6 सिग्नल्स आपको मिलेंगे प्रोटॉन के, बट गिवन कितने 3, इसलिए ए स्ट्रक्चर हो गया कैंसिल। बी की बात करते हैं, बी में भी आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दिस वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इससे 2 मिरर इमेज बनेंगे, तो जो एक ही पोर्शन के अंदर यानी ओनली फॉर इसको कंसिडर कीजिए, इसमें कितने पी एन एम आर आएंगे, इस पोजिशन के ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा तो 1, यहाँ पे भी कोई प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, इस वन इज 4th और ये मिथाइल के कारण 5th, यानी कि इसमें भी 5 सिग्नल आएंगे और गिवन कितना है 3, तो ये भी हो गया आपका क्रॉस। सी स्ट्रक्चर अगर मैं एनालाइज करूँ तो इसमें भी आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो वर्टिकली इसमें से जाएगा, वर्टिकली, तो ये इस टाइप से रहेगा वर्टिकली, अगर मैं जिन जिन एटम से वो गुजरेगा प्लेन वो उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इस एटम से गुजरेगा, इन एटम से ये गुजरेगा प्लेन, तो कौन सा इसका मिरर इमेज होगा, दिस वन इज इसका मिरर इमेज, ये कार्बन इस कार्बन का मिरर इमेज, इस कार्बन का मिरर इमेज और 4th इसे मैं ले लेता हूँ, जिससे इस कार्बन से मिरर इमेज, तो कितने सिग्नल आएंगे चेक करें, और यहाँ पे तो CH3 है तो एक सिग्नल तो ये भी देगा अलग, तो दिस इज 1, दिस 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 NMR यानी H1 NMR सिग्नल होने चाहिए, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया, दिया तो 3 ही है। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, इससे दे रखा है आपको, ये आपका मिथाइल सबस्टिट्यूएंट, ओके, तो यहां पे भी इसको ऑब्जर्व करने से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण सारे के सारे सेम हो जाएंगे, ओके, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका सेम हो गया। अब एक तो इस टाइप का प्लेन था और दूसरा प्लेन क्या रहेगा, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से रहेगी कि ये रिंग भी 2 पोर्शन के अंदर आपके स्प्लिट होगी, ओके, इस पोजीशन के ऊपर तो कोई ये रिंग इसकी मिरर इमेज हो गई और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइक इस टाइप से जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से जाएगा जो इस रिंग को भी अंदर से वर्टिकली कट करेगा, इस रिंग को भी वर्टिकली कट करेगा, ओके, दिस टाइप से पूरे को वर्टिकली कट करेगा, तो
जिन जिन एटम से ये होके गुजरेगा दिस प्लेन, वो रहेगा दिस वन एंड दिस एटम। ओके, इससे कौन कौन से मिरर इमेज बनेंगे, यानी कि दिस कार्बन जो है इस कार्बन का मिरर इमेज हो जाएगा, ये कार्बन आपका इस कार्बन का मिरर इमेज होगा, और ये दोनों इनके भी मिरर इमेज होंगे आपके पास, और दिस वन आपके मिरर इमेज है, ये दोनों इसके भी मिरर इमेज होंगे, और जो मिथाइल था वो मिथाइल वाले का मिरर इमेज, इसको पिंक से शो कर देता हूँ, दिस वन इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे क्या दिखाई देगा, कितने टाइप के प्रोटॉन्स एनएमआर लिख लेंगे, अगर मैं चेक करूँ तो एक तो ये रहेगा, दूसरा और ये तीसरा, इसमें टू प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, टू प्लेन थे, टू सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट थे, और तीन पीएमआर सिग्नल मिलेंगे, डेफिनेटली तीन पीएमआर सिग्नल भी यहाँ पे गिवन है। एक बार वैल्यू सेट करके लेते हैं, 2.4 एट सिग्नल, तो डेफिनेटली इस मिथाइल ग्रुप के कारण आपके पास 2.4 ppm के ऊपर आएगा, क्योंकि ये बेंजिलिक पोजिशन है, बेंजिलिक है इसलिए सिंगलेट भी देगा, इसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। फिर 7.2 डबलेट, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है, तो मैं इसकी बात करूँ, एक H, दूसरा H, ये A ले लीजिए, इसे B लीजिए, ये दे रहा है आपका 7.2 डबलेट और एक 7.7 डबलेट, तो जो कार्बोनिल के नियर है या ऑर्थो पोजिशन पे है वो ज़्यादा डी शील्डिंग होगा, तो एच बी प्रोटोन है वो आपका देगा 7.7 डबलेट पे, और जे वैल्यू 8 हर्ज मीन्स ये सिस है, दोनों कार्बन सिस पोजिशन पे, दिस एंड दिस आर सिस। ओके, और एच ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.2 डबलेट, जे वैल्यू 8 हर्ज। और चेक करते सी एम आर में कितने सिग्नल आएंगे, तो अगर मैं सी एम आर के सिग्नल की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ कार्बन इसमें कितने टाइप के होंगे, उसके लिए आपको चेक करना होगा। देखिए दो मिरर इमेज तो है ही इसके अंदर, तो कहाँ अभी तक हमने हाइड्रोजन वाले एम आर वाले, अगर मैं फिगर को देखूँ तो इसी फिगर में जहाँ जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं थे, है ना, चलिए दूसरा ही फिगर बना लेते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6, यानी कि आपको टोटल 6 कार्बन 13 एनएमआर इसमें देखने को मिलेंगे एक साइड वाले। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देखिए पीएमआर में 2 नंबर पोजिशन, 5 नंबर पोजिशन एंड 6 नंबर पोजिशन पे हाइड्रोजन एब्सेंट थे, लेकिन उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, हाइड्रोजन एब्सेंट थे इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुए, उन पोजिशन रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन कार्बन एनएमआर के अंदर तो मुझे कार्बन चाहिए इसलिए उस पोजीशन को मुझे लेना पड़ा। तो टोटल कितने टाइप के कार्बन या डिफरेंट टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, 6 टाइप के, इस हिसाब से मेरे पास आएगा जो गिवन डाटा से उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर या फिट हो रहा है वो रहेगा आपका डी, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है इसने, फास्फोरस 31 एनएमआर सिग्नल इसने पूछा है गिवन स्ट्रक्चर बी के अंदर। ओके, इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, फास्फोरस 2 फ्लोरीन इक्विटोरियल में, 1 हाइड्रोजन इक्विटोरियल में, और एक्सियल के ऊपर NH2 NH2 है। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडर कीजिए फास्फोरस खुद एक एनएमआर एक्टिव है, फ्लोरिन एनएमआर एक्टिव है, हाइड्रोजन एनएमआर एक्टिव है, नाइट्रोजन 15 इंडिकेट किया है वो भी एनएमआर एक्टिव है, और एन के साथ जो दो एच जुड़े हुए हैं ये भी एनएमआर एक्टिव है। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो इन सभी को कंसिडर करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग के समय सिग्नल तो आपका एक आएगा, एक ही फास्फोरस है और एक ही इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है इसलिए एक सिग्नल आएगा, बट स्प्लिटिंग कौन कौन करेगा। तो अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूँ, इस सिग्नल को स्प्लिट करने के लिए जो फैक्टर्स रहेंगे, देखिए कौन कौन से रहेंगे, पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एक मिरर प्लेन है, यस दिस इज मिरर प्लेन रह गया, ऊपर और नीचे वाला सेम। अब अगर मैं सिग्नल P31 NMR मैंने जब रिकॉर्ड किया तो वन सिग्नल रहेगा, वन सिग्नल, और उसकी जो स्प्लिटिंग है कौन कौन करेगा,
फास्फोरस के नेबर में दो फ्लोरीन एटम है जिनकी आई वैल्यू हाफ है, तो वो एन प्लस वन रूल से इसे स्प्लिट करेंगे। ओके, तो एन प्लस वन पहला, ये किसके कारण हुआ? फास्फोरस एंड टू फ्लोरीन के कारण, ठीक है। फिर एक एच जो डायरेक्टली वन बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये भी, इसकी भी आई वैल्यू वन है, तो ये भी एन प्लस वन रूल से इसको स्प्लिट करेगा, फास्फोरस एंड वन एच। अब दूसरा, दो नाइट्रोजन इसके नेबर में, और नाइट्रोजन 15 की आई वैल्यू 1/2 होती है, जबकि नाइट्रोजन 14 की आई वैल्यू 1 रहती है। ये भी अगर 1/2 इसकी आई वैल्यू है, तो n प्लस वन रूल से ये भी इसको स्प्लिट करेगा, तो इसमें भी n प्लस वन, ये आपका रहेगा फास्फोरस 2 एंड 15 इसके नेबर में। और फिर फोर्थ जो इसको स्प्लिट करेगा, देखिए नाइट्रोजन से अटैच टू हाइड्रोजन है, कितने बॉन्ड डिस्टेंस पर रहेंगे? फास्फोरस से 2 बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, और बीच में नाइट्रोजन, इसलिए कपलिंग हो पाएगी। तो ऊपर 2 हाइड्रोजन और नीचे 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 4। तो ये भी आपको स्प्लिट करेंगे एन प्लस वन, इससे कितना आएंगे? फास्फोरस 4H, ये भी स्प्लिट करेंगे। यानी कितने सारे स्प्लिट कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4 सेट आपको स्प्लिट कर रहे हैं। तो मैं इसी सभी को एक लाइन में लिख दूँ, एन प्लस वन फोर फास्फोरस फ्लोरिन का अगर मैं लगाऊँ, तो 2 फ्लोरिन थे, तो 2 प्लस वन फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन फोर वन एच, तो ये था 1 प्लस वन सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन, इसके लिए 2 नाइट्रोजन के लिए, तो ये था आपका 2 प्लस वन थर्ड ब्रैकेट प्लस एन प्लस वन 4 हाइड्रोजन के लिए, तो ये था आपका 4 प्लस वन। एन प्लस वन रूल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जितने भी नेबरिंग एटम्स हैं सारे के सारे आई वैल्यू इक्वल टू प्लस हाफ वाला है। अगर कोई भी अदर एटम होता है जिसका आई वैल्यू प्लस हाफ नहीं होता, तो वहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता 2Ni+1 का। ओके, तो 2+1 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड 1+1 2 मल्टीप्लाइड 2+1 3 मल्टीप्लाइड 4+1 5, तो 3 2 6 मल्टीप्लाइड 5 3 15, और 15 6 अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगा आपका 90। तो टोटल लाइंस या स्प्लिटेड और एक सिग्नल जो है वो कितनी लाइंस देगा आपको? 90 लाइंस आपको देगा। तो इसका करेक्ट आंसर था डी, 90 लाइंस। ओके, दिस वन इज 90 लाइंस। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाइट्रोजन से स्प्लिटिंग करवाई क्यों? क्योंकि इसने इंडिकेशन दिया है एन 15 इसने लिखा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि F19NMR ऑफ CLF3 सोर्स। अब CLF3 का F19NMR मुझे पूछा है, तो सबसे पहले मुझे CLF3 का समथिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरीन किस टाइप से रहता है। तो CLF3 का अरेंजमेंट या ज्योमेट्री या शेप हम फाइंड आउट करने के लिए VSEPR थ्योरी को यूज में लेंगे, और अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास निकलेगा वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा इसके अंदर, सेंट्रल एटम क्लोरीन के लिए, और स्ट्रक्चर आपका निकलेगा इसका जो स्ट्रक्चर निकलेगा ये रहेगा आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दो लोन पेयर ऑफ क्लोरीन आपका इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, और 3 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन इक्विट एक्सियल और 1 इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। दिस सीएल ये फर्स्ट लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, ये आपका फर्स्ट फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, और ये थर्ड फ्लोरीन। ओके, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो आपके पास इक्विटोरियल फ्लोरीन जो है आपके, वो डिफरेंट सिग्नल देंगे, यानी कि ये ए टाइप के फ्लोरीन हो गए, दिस वन ए टाइप के फ्लोरीन, और दिस वन इज बी टाइप के फ्लोरीन। ये इसको ले लो ए, इसको ले लो बी। तो ए के कारण अब ए और बी जो है वो रूम टेम्परेचर पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते रहते हैं? फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके, लेकिन जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा, जहाँ पे फ्लोरीन एटम ऑक्यूपाइड है वैसी पोजीशन को वो ऑक्यूपाइड रखेंगे। तो अगर मैं इनके सिग्नल की बात करूँ, ए के कारण जो मुझे सिग्नल मिलेगा,
के कारण जो मुझे सिग्नल मिलेगा वो क्या रहेगा आपका, ए यानी पूरे मॉलिक्यूल में F19 का रिकॉर्ड करना था, दो सिग्नल मिलेंगे। अब ए के कारण जो सिग्नल है वो स्प्लिटेड रहेगा डबलेट में, और बी के कारण जो सिग्नल है वो स्प्लिटेड रहेगा ट्रिपलेट के अंदर, ठीक है। टू सिग्नल रहेगा आपका, टू सिग्नल ए और बी। अब ए के कारण जो सिग्नल है उसके नेबर में एक ही ये फ्लोरीन एटम है जिसकी आई वैल्यू हाफ रहती है, तो ये रहेगा 1+1 डबलेट के अंदर स्प्लिटेड। और बी के कारण जो सिग्नल है उसके नेबर में 2 फ्लोरीन ए टाइप की फ्लोरीन है, तो 2+1 ट्रिपलेट के अंदर ये स्प्लिटेड रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट मैचेज, करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा डबलेट एंड ट्रिपलेट फॉर टी शेप्ड स्ट्रक्चर, वो टी शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह भी दिखाई दे रहा है, इसलिए टी शेप्ड स्ट्रक्चर आपका रहेगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, दिस वन इज सी क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था हमने, CH3 कार्बन के साथ अटैच फ्लोरिन और फिर इसके साथ ड्यूटेरियम CH2 और F। पूछा क्या है, F19 NMR पूछा है कि कितने सिग्नल ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक समथिंग CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH2 बॉन्ड F, ऊपर ड्यूटेरियम नीचे फ्लोरीन। तो अगर मैं टाइप ऑफ फ्लोरीन एटम की बात करूँ तो इसमें 2 टाइप के फ्लोरीन मुझे दिखाई देंगे, एक को मैं देता हूँ नेम ए, इसको नाम दिया ए, तो ये बी टाइप का फ्लोरीन। अब ए टाइप के फ्लोरीन के लिए जो सिग्नल आएगा वो किस में स्प्लिटेड रहेगा, तो पहला देखो ए के नेबर में कौन कौन है, ए के नेबर में 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम का आई वैल्यू रहता है 1, 1 आई वैल्यू रहने से स्प्लिटिंग पैटर्न 2Ni+1 फार्मूला से आपको देना पड़ेगा। तो 2Ni+1 फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 2 × n मीन्स नंबर ऑफ ड्यूटेरियम 1 × ड्यूटेरियम के आई वैल्यू 1+1, तो 2+1 मिल गया क्या 3, यानी कि ट्रिपलेट। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग जो ए की है वो किस में रहेगी, ट्रिपलेट के अंदर, तो ये ट्रिपलेट। फिर इसके नेबर में यानी कि फ्लोरीन ए के नेबर में लेफ्ट साइड अगर मैं बात करता हूँ तो 3 हाइड्रोजन है 1, 2 एंड 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे, ओके 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 3 हाइड्रोजन है, और मुझे पता है कि फ्लोरीन की जो कपलिंग रेंज है वो लॉन्ग रेंज तक भी रहता है, ये कपलिंग करता है बहुत ही ईजिली कपलिंग करता है। तो फ्लोरीन 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 3 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा, और एच की जो आई वैल्यू है वो हाफ रहती है, इसलिए N+1 रूल को ऑबे करेगा। तो N+1 रूल से क्या रहेगा, 3+1 क्या हो सकता है, क्वार्टेट में हो सकता है, यस ना, तो क्वार्टेट भी ये आपका दे सकता है। अगर मैं राइट साइड चलूँ तो राइट साइड में 1, 2, 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन आई वैल्यू हाफ, तो N+1 रूल लगाओ तो 2+1 ट्रिपलेट, तो वो ट्रिपलेट के अंदर आपका मतलब स्प्लिटेड रहेगा ए सिग्नल। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रिपलेट लिखा है, एक लिखा है डबलेट, डबलेट क्यों, कि फ्लोरीन 1, 2 एंड 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे इसका दूसरा फ्लोरीन नेबर है, तो वो इसको इसकी आई वैल्यू भी हाफ रहती है, तो हाफ के कारण N+1 रूल हमने अप्लाई किया, तो ये इसको करेगा डबलेट में। और एक लास्ट में आप क्वार्टेट भी लिख सकते हो अगर फ्लोरीन ने दिस CH3 के कारण स्प्लिटिंग हुआ, ठीक। तो ए के कारण जो मेरे पास सिग्नल्स आए वो रहेगा ट्रिपलेट डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट, ये सारी स्प्लिटिंग हो सकती है। अब बी के नेबर में कौन है, सबसे 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन, तो आपको ट्रिपलेट मिलेगा। फिर 1, 2, 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 1 फ्लोरीन और 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 1 ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम इसको ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट करेगा, और जो नेबरिंग फ्लोरीन है वो इसे डबलेट के अंदर स्प्लिट करेगा। और 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड डिस्टेंस पे 3 हाइड्रोजन, तो 3+1 क्वार्टेट के अंदर ये इसे स्प्लिट करेंगे, तो ये इसका स्प्लिटिंग बी के लिए स्प्लिटिंग सिग्नल्स रहेंगे, ओके। अब देखिए इसने पूछा है कि पॉसिबल एनएमआर आपसे पूछा है CF3CH2OH, एक पूछा है इसने H1NMR और एक पूछा है F19NMR। तो अगर मैं H1NMR की बात करूं तो उसमें 2 टाइप के
टू टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, एक ए टाइप का हाइड्रोजन और दूसरा बी टाइप के हाइड्रोजन, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी जो कि ऑक्सीजन C1 C2 और फ्लोरीन से जाती हुई दिखाई देगी। ये जो लाइंस है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो और टाइप ऑफ फ्लोरीन की बात करें तो वो एक टाइप के रहेंगे तीनों के तीनों फ्लोरीन, ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल रोटेशन सेम केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो फ्लोरीन का आपको एक सिग्नल मिलेगा जो कि स्प्लिटेड रहेगा, इसके नेबर में फ्लोरीन के नेबर में टू बॉन्ड डिस्टेंस पे टू हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनकी आई वैल्यू हाफ है, इसलिए एन प्लस वन रूल मैंने अप्लाई किया, तो टू प्लस वन ट्रिपलेट के अंदर ये आपको सिग्नल दे। जबकि इस एच ए हाइड्रोजन के कारण जो आपको सिग्नल आएगा वो रहेगा आपके पास सिंगलेट, क्योंकि इसके नेबर में कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ऑक्सीजन के नेबर में कार्बन और कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वन टू थ्री बॉन्ड डिस्टेंस हो गए क्योंकि काफ़ी दूर हो गया, इसलिए एट रूम टेम्परेचर ये आपको देगा सिग्नल। ए के लिए सिंगलेट रहेगा क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज हो पाता है, ऑक्सीजन वाले जो हाइड्रोजन्स रहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, इसलिए सिग्नल देता है, थ्री बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर भी कपलिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो करूँ तो कार्बन सॉरी ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उनका प्रोटॉन एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा और ये आपके कार्बन वन के ऊपर जो दो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके साथ कपलिंग कर सकता है। ओके तो उस कंडीशन में एट लो टेम्परेचर पे ए जो है वो ट्रिपलेट देगा ड्यू टू कपलिंग विथ एच बी टाइप के प्रोटॉन के साथ, और नॉर्मल कंडीशन में जो एच बी है वो किस में स्प्लिटेड रहता है, क्वार्टेट में। क्यों? क्योंकि एच बी के नेबर में कौन प्रेजेंट है, इसके नेबर में टू बॉन्ड डिस्टेंस पे थ्री फ्लोरिन एटम प्रेजेंट है और थ्री फ्लोरिन एटम की आई वैल्यू हाफ रहती है, तो ये एन प्लस वन रूल अप्लाई करेंगे तो थ्री प्लस वन क्वार्टेट देंगे, तो दिस वन इज क्वार्टेट, दिस वन इज क्वार्टेट एच बी प्रोटोन। और एच ए प्रोटोन क्या दिया था इसने, एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्रॉट पीक देगा और एट लो टेम्परेचर के ऊपर ये आपको देगा ट्रिपलेट। अगर मैं कार्बन 13 एनएमआर की बात करूँ तो इसमें भी टू टाइप के आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, तो दो सिग्नल मिलेंगे और उसकी स्प्लिटिंग पैटर्न रहती नहीं है क्योंकि कार्बन 13 में हम स्प्लिटिंग देखते नहीं है। ओके प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर को हम यूज में लेते हैं, अगर कार्बन से स्प्लिटिंग बतानी पड़े तो भी आप उनके नेबर को देख करके स्प्लिटिंग कर सकते हो, लाइक सैटेलाइट पीक के बारे में जान सकते हो कि अगर कार्बन अपने नेबर वाले दो एच बी प्रोटॉन के साथ कपल्ड होगा तो ट्रिपलेट देगा। ओके तो ये था आपका कार्बन फर्स्ट। अगर ये तीन हाइड्रोजन सॉरी तीन फ्लोरीन के साथ कपल हो रहा है तो क्वार्टेट देगा और टू हाइड्रोजन के साथ कपल हो रहा है तो ट्रिपलेट देगा। इसी तरह कार्बन नंबर टू तीन फ्लोरीन के साथ कपल हो रहा है तो क्वार्टेट देगा और टू हाइड्रोजन के साथ कपल हो रहा है तो ट्रिपलेट देगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लाइक ने पूछा है क्वेश्चन नंबर टू C3H6O2। तो जब भी मॉलिकुलर फार्मूला आपके पास गिवन रहता है तो पहला आपका काम क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। तो ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन है इसलिए नॉर्मल फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे, x प्लस वन माइनस वाई अपॉन टू। तो x कितना है 3 प्लस वन माइनस वाई कितना 6 अपॉन टू, तो 3 प्लस वन 4 और 6 अपॉन टू 3, तो 4 माइनस 3 कितना है 1, यानी कि आपके मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ पे डबल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बोनिल के फॉर्म में हो चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में हो। अब दो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है, तो दो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपके नॉर्मली ईस्ट एस्टर रहता है। ओके एस्टर आपका दो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर गिवन डाटा आपके पास लैम्डा दे रखा कार्बन 13 का, एक है 20 ppm, दूसरा 50 ppm और तीसरा 140 ppm। तो तीन कार्बन और तीनों डिफरेंट थ्री कार्बन 13 NMR है, मीन्स तीनों डिफरेंट केमिकली एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। मुझे इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था। ओके डिटरमाइन द कंपाउंड या स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना, गिवन आपके पास ये डाटा था। तो डेफिनेटली 20 ppm टर्मिनल CH3 के लिए आएगा आपके पास, ओके जो कि ऑक्सीजन के सॉरी जो कि डायरेक्टली कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है,
तो जो फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके एक एंड पे मैंने CH3 लगा दिया, कार्बोनल के साथ ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और 50 ppm कब आता है, जब कोई मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच में रहता है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। और मुझे पता है कि कार्बोनिल में जो कार्बन रहता है उसकी डेल्टा वैल्यू आपकी आती है 150 टू 220 के ppm के बीच में, ये लगभग 140 है, तो ये रहेगा आपका 140 ppm। ये वाला कार्बन आपका रहेगा 50 ppm, और दिस वाले कार्बन के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 ppm, और स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा गिवन C3H6O2 के लिए। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज क्वेश्चन C8H6। मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और H1 के लिए कुछ डाटास गिवन है, लाइक 6.9 सिंगलेट टाउ वैल्यू गिवन है, ओके 6.95 है टाउ वैल्यू और ये सिंगलेट है, तो इसको पहले मुझे ppm में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 6.95 करोगे तो ppm में आ जाएगा, तो 10 में से 6.95 को सब्सट्रैक्ट करने पे मेरे पास जो वैल्यू आई वो रहेगा 3.05 ppm और सिंगलेट। एक है अनसिमेट्रिकल मल्टीप्लेट जो कि 2.4 से 2.8 टाउ आ रही है, तो इसे मैंने ppm में चेंज किया, तो 10 में से माइनस कर दूंगा दोनों वैल्यूज़ को, तो 7.6 से 7.2 ppm के बीच में मेरे पास ये वैल्यू रहेगी। तो टाउ एंड ppm के बीच में रिलेशनशिप, टाउ वैल्यू इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, या फिर डेल्टा वैल्यू इक्वल टू 10 माइनस टाउ वैल्यू। तो इसने पूछा है कि गिवन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्या रहेगा, कंपाउंड क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन रहता है तो आपको पहले फाइंड आउट करना रहता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो दिस इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 8+1 माइनस 6/2। 8+1 कितना हो गया 9, माइनस 6/2 3, तो 9 माइनस 3 कितना 6। अब 6 को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ 4+2, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक बेंजीन रिंग को क्रिएट कर देगा, और 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या तो एक डबल बॉन्ड को क्रिएट करेगा, या कार्बोनल को क्रिएट करेगा, या ट्रिपल बॉन्ड को क्रिएट करेगा। अब चूंकि मेरे मॉलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ये पॉसिबिलिटी होगी कट, बचा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी। अब एक बेंजीन रिंग से आपके पास 6 कार्बन एटम यूज्ड हो गए, तो ये C6 और C8 में से 6 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो 2 बचेंगे, और 2 जो है वो एल्किन के लिए भी हो सकता है और एल्काइन के लिए भी हो सकता है, यानी एसिटाइलिन के लिए भी हो सकता है। तो बात आती है कि जो 1H की वैल्यू इसने दिया है 3.05 ppm, जो एल्काइन का टर्मिनल प्रोटॉन होता है वो समथिंग 2.4 से लेके 3.5 ppm के बीच आपका सिग्नल या H1 NMR सिग्नल देता है। तो इसका मतलब मेरे पास एक क्या बात निकल रही है कि आपके बेंजीन के साथ ये एल्काइन अटैच्ड रहेगा और इसके टर्मिनल पे एक H है, तो एक तो इसके लिए आपके पास वैल्यू हो गई दिस वन येलो मार्क्ड, ओके। और दूसरी इसने बोला मल्टीप्लेट, तो मल्टीप्लेट किसके लिए मिल सकता है, बेंजीन के जो भी अनसिमेट बेंजीन के जो प्रोटॉन्स है लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन, ओके, इन तीनों के कारण ये तीनों इसके मिरर इमेज होंगे, दिस एंड दिस, इसका ये इसका मिरर इमेज और ये इसका मिरर इमेज, ओके। ये तीनों प्रोटॉन आपको क्या देंगे, अनसिमेट्रिकल मल्टीप्लेट, और उनका रेंज रहेगा 7.6 से 7.2 ppm, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपके पास पूछा है, आपको दे रखा है C7H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और H1 डाटा गिवन है 7.25 टाउ वैल्यू, उसको मुझे ppm में कन्वर्ट करना पड़ा, 10 माइनस दिस करेंगे तो आएगा 2.25 ppm, जो कि रहेगा 3H के लिए और सिंगलेट है। इसी टाइप से सेकेंड जो सिग्नल है वो 4.32 टाउ पे है 1H के लिए सिंगलेट, तो 10 माइनस इसको माइनस करेंगे तो 5.68 ppm पे आएगा 1H के लिए सिंगलेट। और थर्ड जो आपके पास सिग्नल है वो अनसिमेट्रिकल मल्टीप्लेट है, रेंज 2.75 से 3.57 टाउ है, इसको अगर मैं माइनस करूँ 10 में से तो 7.25 से 6.43 ppm, तो ये रहेगा आपका मल्टीप्लेट। अब इसके बेस्ट के ऊपर मुझे इसका स्ट्रक्चर बताना है किस टाइप से होगा।
तो पहला जो मेरा वर्क रहता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। तो अब चूंकि इसके अंदर डाइवेलेंट ऑक्सीजन है इसलिए नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज करेंगे, एक्स प्लस वन माइनस वाई अपॉन टू। तो एक्स है आपके पास 7 प्लस 1, वाई है आपके पास 8, तो -8 अपॉन 2 रहेगा आपका 4, और 7 प्लस 1 8, तो 8 माइनस 4 आपका कितना आएगा 4। तो ये जो 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो आपका क्या बना देगा, एक बेंजीन रिंग बना देगा। तो दिस इज 4 के कारण आपके बन गया एक बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग बनने से 6 कार्बन यूज हो गए और बचेगा क्या, सिर्फ एक कार्बन आपके पास रिमेनिंग रहेगा। अब अगर एक कार्बन रिमेनिंग रह रहा है और एक ऑक्सीजन भी रिमेनिंग है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कौन से फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट हो सकता है। ओके, 4 DB यूज हो गए, तो ऑक्सीजन कार्बोनिल में तो प्रेजेंट होगा नहीं, कार्बोनिल के फॉर्मेट के अंदर ये प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। और उसके लिए 2 DB चाहिए थी जो कि है नहीं, इसलिए तो ये तो हो गया क्रॉस। तो पहला तो मिथाइल, अगर जो एक एक्सेस कार्बन बन रहा है उसको मैंने मिथाइल के रूप में ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर एक PPM वैल्यू दिख रही है 2.25 PPM, वो बेंजीलिक पोजिशन को ये शो करती है, इसलिए ये बेंजीलिक पोजिशन का एक कार्बन हो गया। दूसरा जो आपके पास दे रखा है 5.68 PPM फॉर 1H, ये आपका ब्रॉड पीक रहता है प्रोटॉन एक्सचेंज के कारण, और वो एल्कोहलिक पोजिशन के लिए रहता है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एल्कोहलिक पोजिशन के लिए रहेगा दिस वन। अब OH आपका ऑर्थो मेटा या पैरा किसी भी पोजिशन पे हो सकता है, इसका भी कंफर्मेशन कपलिंग कॉन्स्टेंट से आप कर सकते हो, और दूसरा कंफर्मेशन मल्टीप्लेट से कर सकते हो कि अब एरोमेटिक सिस्टम के लिए मल्टीप्लेट्स कैसे आते हैं। अगर ये ऑर्थो के ऊपर प्रजेंट है OH तो आपका मल्टीप्लेट्स ज़्यादा रहेंगे, पैरा पे प्रजेंट है तो मल्टीप्लेट्स कम रहेंगे, ओके, क्योंकि सिमेट्री प्लेन उसके अंदर प्रजेंट होगा। मेटा के ऊपर है तो भी मल्टीप्लेट आपके कम रहेंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में आपके पास कितने टाइप के प्रोटॉन्स मिलेंगे, 3 टाइप के। एक मिथाइल के कारण 3H के कारण आपको मिलेगा सिंगलेट, 1H के कारण आपको मिलेगा एक ब्रॉड पीक 5.68 पे, और बाकी के जो प्रोटॉन्स है जो कि एरोमेटिक सिस्टम से अटैच्ड है, दिस 1H, दिस 1H, दिस 1H एंड दिस 1H, यानी 4H, जो कि 4 डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में, उनके कारण आपको एरोमेटिक रीजन में एक मल्टीप्लेट मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए क्वेश्चन इसने पूछा है मैच द पेयर्स, अब ये क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो क्या दिखता है आपके पास, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर दिस दिस के बीच में सिंगल, फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, और दिस एंड दिस के बीच में पहले सिंगल, और फिर इसके और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो टोटल कार्बन नंबर की बात करूँ तो अगर मैं स्टार्ट करूँ काउंट करना यहाँ से, तो 1, this 1 is 2, this 1 is 3, this 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 मेंबर का ये एक रिंग है। इसके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो आपके पास किस टाइप से रहेगी, इन एच के लिए इसने पूछा है कि एच के लिए, अब यहाँ पे कुछ दे रखा है कि डेल्टा पाई यानी कि एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, इनर प्रोटॉन डिसल्यूटेड है आपका, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैसा है आपका, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि कितने डबल बॉन्ड्स आपके पास आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो 6 का ट्वाइस करेंगे तो कितने होंगे, 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। अभी 9, 10 और 11 के बीच में 2 डबल सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन को होने से ये रोक रहे हैं। तो 4n+2 का आप अगर जब हम फॉर्मूला लगा हुए 4n+2, तो 4 2 जा यानी कि एरोमेटिक हुकल रूल में ये 4n को फॉलो कर रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो अगर कॉन्जुगेशन में होते तो उसको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक, अब कॉन्जुगेशन में नहीं है इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। तो किस टाइप से हो गया ये आपका, नॉन एरोमेटिक, नॉन
एरोमेटिक। अब जो नॉन एरोमेटिक है उसके अंदर वाले प्रोटॉन जो है वो हाईली डीशील्डेड होंगे और बाहर वाले प्रोटॉन शील्डेड होंगे। इसलिए इसके अंदर वाले प्रोटॉन यानी कि जो मैंने सर्कल किया एच, उसकी डेल्टा वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 16.4 तक आएगी, बहुत ही ज़्यादा 16.4 तक। अगर साइकिल स्ट्रक्चर की बात करूँ, दिस इज, ये भी आपका, इस पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आपकी, दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, और यहाँ पे भी एक प्लेन आप खींच सकते हो, यानी कि इसमें भी सिर्फ आपको 1H यानी कि एक हाइड्रोजन पीक ही मिलेगी, एक H1 NMR में सिर्फ एक पीक ही मिलेगी, सभी चार प्रोटॉन सेम केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। और ये भी आपका 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4N रूल को फॉलो कर रहा है जो कि कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसका जो आउटर प्रोटॉन है वो आपका शील्डेड रीजन के अंदर होगा, किसमें, शील्डेड रीजन के अंदर आपके पास प्रेजेंट होगा, एंटी एरोमेटिक है आपके पास ये, तो 6.42 कॉन्जुगेशन होगा, ये यहाँ जाएगा तो दिस ऑक्सीजन ऊपर, कहीं ना कहीं से कॉन्जुगेशन होगा इसमें। नेक्स्ट वन आपके पास जो है दिस, ये आपका एक एनुलिन सिस्टम है, कौन सा है देख लेते हैं, एजुलिन सिस्टम है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 2 14 और 14 है वो एरोमेटिक सिस्टम में आता है। एरोमेटिक अगर सिस्टम है तो आपका इनर प्रोटॉन डीशील्डेड और आउटर प्रोटॉन डीशील्डेड, तो इनर प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव वैल्यू इसकी एनएमआर की रहेगी, लाइक एरोमेटिक सिस्टम की तरह एरोमेटिक रिंग में जो इनर प्रोटॉन्स रहते हैं वो आपके शील्डेड रहते हैं, इनर प्रोटॉन शील्डेड रहते हैं और आउटर प्रोटॉन डीशील्डेड रहते हैं, डीशील्डेड रहते हैं, ओके। अगर डीशील्डेड है तो वो एरोमेटिक रीजन में वैल्यूज देते हैं 7 to 8 ppm, और जो शील्डेड है वो नेगेटिव ppm के अंदर आपका डेल्टा वैल्यू देते हैं, तो ये रहेगा आपका -0.61 ppm समथिंग। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके देख लेते हैं टाइमिंग कितना हो चुका है, उसके बाद 47 सेकेंड हो गए, तो हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, 1 सेकेंड हैव अ नाइस डे।